देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहां मंगलवार को 10 नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये नए मामले पुणे में दर्ज किए गए हैं। यहां के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि हवाई अड्डे पर करीब 30,000 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 10 लोगों में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही हरियाणा के गुरुग्राम के भी एक युवक में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यह युवक जर्मनी से दुबई होकर सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उसका कोरोना टेस्ट किया गया। रिपोर्ट में युवक ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। बता दें कि जर्मनी उन उच्च जोखिम वाले देशों में शामिल है, जहाँ पर नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके बाद वह शाम को जबरन दिल्ली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में स्पेशल रूम लेकर भर्ती हुआ, जहां से वह चुपचाप निकल गया और गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल में भर्ती हो गया। इस बात की जानकारी लगने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम युवक को यहाँ से दिल्ली ले आई। बता दें कि देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरियंट के 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20 हो चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान में 9, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।